कौशाम्बी जिले के फोइलाहा गांव में रास्ते को लेकर विवाद इतना बड़ा कि फौजी श्रीराम पासी नाम के शख्स ने दूसरे व्यक्ति पर गोली चला दी। इस दौरान बीच बचाव करने गए दो लोग गोली की चपेट में आ गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं आसपास रह रहे लोगों ने घायलों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें SARM प्रयागराज रेफर कर दिया गया। उधर होली के दिन हुई इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। क्या झगड़ा था, कैसे गोली चली? झगड़ा बच्चे खातिर, एक गांव के लौंडा था, उसने लड़ाई की और दुआरे चौतरफ बैठ गया, उसको गाड़ी दिया, मार दिया। उसके माई बाप आया सर, तो मार लड़ाई करने लगे, तो ये चाचा था और ये चाचा तीन चार आदमी उनके घर में फौजी को समझाया कि लड़ाई मत करो, त्योहार दिन है। उसने फिर अच्छा वो भी चला गया। फिर वो लौंडा जात रहा तो उसने ई चाचा हमारे बैठे थे उसी के घर में, हम भी समझावत रहे सर, तो इसने उनको देखा तो फौजी खूब गाड़ी गुप्ता करने लगा और वो दो बंदूक जाके निकाल के लोड कर लिया। उसको मारने जाते थे, हम लोग उन्हें बैठे थे, पकड़ लिया, बस तुरंत चला दिया गोली, तुरंत चला दिया। उसके बाद हम भी सामने थे, चाचा भी सामने थे। अपना नाम बताए? हमारा नाम राकेश कुमार है। मतलब गन शॉट का मामला है, वो पेशेंट आए हैं यहाँ से, कोयलार कोई जगह है, वहाँ से पेशेंट आए हुए हैं, उनका हमने प्राथमिक उपचार कर दिया है और उनको हमने जिला अस्पताल वो इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया है। क्या हालात है? अभी ठीक है, उनके मतलब इलाज कर दिया, इंजेक्शन लगवा दिया है, बाकी सब उनको हमने रेफर कर दिया है इलाहाबाद के लिए। अपने गुड नेम? डॉक्टर BK त्रिपाठी। कौशाम्बी जिले के डोरमा गांव में आज संतोष नाम के अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डोरमा गांव के रहने वाले संतोष गोली खेलने के बाद अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने को कहकर घर से निकला था, लेकिन दोपहर में संतोष का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। अधेड़ की लाश मिलने की सूचना मिलते ही सैनिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौत की खबर परिजनों को दी। मौत की सूचना से पूरा परिवार सदमे में आ गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वही पुलिस तफ्तीश कर रही है। आज थाना सैनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव डोरमा में संतोष कुमार मौर्य सन ऑफ ननकुश सिंह की, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई है और हमने डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। का टट्टी दे रहा है, वही से हम वही हमका बताई सी कि चाची चचौना हुआ कुर्सी में परे हैं, हम वहाँ से भाग के भैया का अपने लड़के गवाह हैं, हमार भैया तीन चार लोग पकड़ा के ले आए हैं घर, हम तुरंत अस्पताल लड़के गवाह है सरकारी अस्पताल में। क्या नाम है? डुलची गे रहा है भैया, उनके लग कहाँ जाई हो, बस अब चाहे भैया के लग गए हों चाहे जहाँ गए हों। उमा देवी। भरतपुर के डीक में अपने दोस्तों के साथ कुंड में नहाने गया युवक पैर फिसलने से डूब गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर पाकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज इतना मिली थी कामा रोड पर जो तालाब है उसमें एक लड़का डूब गया है, इसे तलाश कर वहां पर मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद उसकी बॉडी को निकलवाया गया। उसके पिता ने रिपोर्ट दी कि वो दोस्तों के साथ वहाँ गया था, उसको तैरना कम जान रहा था इसलिए वो डूब गया। इस पर मर्ग दर्ज की, पोस्टमार्टम करके बॉडी परिजन को सपोर्ट कर। आगरा से मुरैना की ओर एक पुलिस लिखी गाड़ी में रख कर लाई जा रही 254 किलो 53 ग्राम चांदी SST, FST और पुलिस टीम ने जब्त की है। इस चांदी की जांच की गई तो यह चांदी जैसा दिखने वाला धातु निकला। वाहन जब्त कर सिविल लाइन थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें वो आरोपी IPC की धारा वगैरह लगती है, पुलिस लोग उन पर मुकदमा कायम करते हैं इस प्रकार के अपराधियों पर। हमें इसके वाहन के कागज़ से मतलब रहता है, कागज में क्या है, टैक्स पड़ा है, कितनी कागज है, कि नहीं है। जब हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी तो उसने देखा कि POC नहीं है,
पीयूसी पर उसका प्रकरण दर्ज किया है और लाइसेंस उसका जो है आईडी तो ले रहे थे आईडी तो ले रहे थे पूरा ले उसको करा इसका कम से कम 6000 रुपए जुर्माना है मोटर व्हीकल ड्राइवर क्या नाम पता लग रहा है ड्राइवर का नाम ड्राइवर किसने ड्राइवर का नाम उसके राम सिंह ये लटकड़ खाने लश्कर ग्वालियर का रहने वाला है जो बिना प्राइवेट लाइसेंस से इनकी वाहन को संचालित कर रहा ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी और ग्वालियर जा रही थी ठीक है एटैक टीम ने इसको पकड़ा है इसके अंदर आगे भी पुलिस लिखा है पीछे भी पुलिस लिखा है इसकी वजह से RTO ने पूरी गाड़ी जब्त करके और थाने के सपुर्द कर नंबर दो इसके माल में थोड़ी शंका लग रही है इसका जाँच कर से उसका कहना जिलेट है थोड़ा ऐसा चांदी जैसा लग रहा है जो भी है लेब से सवेरे जांच होगा उसके बाद तो लगभग 2 क्विंटल 54 किलो 53 ग्राम इसका वेट है हमने जो वेट कराया है अब उसकी जो कार्रवाई है FHT टीम कर रही है और ट्रेजरी में उसको सील करके रख रहे बताया जा रहा है कि चुनाव में उपयोग के लिए आई है अरे हो भी सकता है इसको अपन डिनाई भी नहीं कर सकते और अपन बोल भी नहीं सकते किसका माल है क्या है ठीक यूपी के बुलंदशहर में होली पर नशे में धुत एक पति ने अपनी ही पत्नी और चचेरे भाई को गोली मारकर खून की होली खेल डाली। पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी और चचेरे भाई को गोली मार दी जिससे युवक के भाई की मौत हो गई और आरोपी की पत्नी घायल हो गई। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया है। ये तस्वीर है अजय उर्फ रॉकी की जिसकी उसके ही चचेरे भाई अमित ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है। टावली गांव में अमित है उनका वाइफ का कुछ अजय के साम उनके इलीगल रिलेशनशिप में आज दारू में आया ऐसे दारू में नाराज होकर के इनका वो चचेरा भाई भी अजय नावाली के लगभग 17 ओवर का है उनका गोली मारा ऐसे चेस्ट में गोली लगी नाराज में इनका वाइफ का भी गोली मारा हाथ में गोली लगी दोनों का हॉस्पिटल भेजा इसी में अजय का हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित हुई इनका वाइफ का भी इलाज चल रहा है अभी अमित का अरेस्ट हो गई उन्हीं से ऐसे तमंचा रिकवर हो गई अभी पूछा चल रहा है पहली नज़र में यही आ रहा है हमारा इन्वेस्टिगेशन में कुछ इलीगल रिलेशनशिप का ये जानकारी आ रहा है। सर ये जो अमित है इसकी शादी की जानकारी मिल पाई है कितने साल पहले हुई है? चार साल पहले हो गई कोई इश्यू नहीं है उनका बेटा बेटी नहीं है इनका डाउट है इनके इलीगल रिलेशन। तो पत्नी की कैसी हालत है अभी? पत्नी सेफ है हाथ में गोली लगी है शी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर कोई इशू नहीं। होली को रंग वंग खेलने को सर कुछ लेकर भी रहा? इसी संबंध में नहीं है ये थोड़ा पुरानी पहले भी डाउट है इनका आज दारू में हो गई नशे में फायर कर दी। बुलंदशहर में SSP एन कोलाची के लाख कोशिशों के बावजूद भी रंग की नहीं खून की होली खेली गई। अवैध संबंधों का शक होने पर एक पति ने अपनी पत्नी के मारे गोली वहीं उसके आशिक अपने चाचाजात भाई को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कैमरामैन अदरंग के साथ रिजवान CMN न्यूज बुलंदशहर। पानीपत के मालखा में एक युवक पर तलवार से कई वार किए गए जिससे उसकी मौत हो गई जबकि बीच बचाव करने आए युवक को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कल गांव टीम में झगड़ा हुआ है जिसमें लड़का मर्डर हुआ है जिसका नाम रवि है लोगों ने दरखास्त पेश की जिसमें मुकदमा कर दिया है और पोस्टमार्टम करने में पड़े गए और मुलजिम पड़ने दिए 6-7 टीमें लगी हुई है SP साहब के आदेश के अनुसार और जल्द ही राउंड अप कर लेंगे। तो क्या मामला था क्यों झगड़ा हुआ कुछ बताओ आपसे झगड़ा है क्या हुआ क्या न्यूज मुलजिम करने बाद क्लियर होगी सारी बातें। कितने लोग घायल इसमें? एक लड़का और घायल इंजर्ड है जिसका नाम है अनिल। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई सर? अभी कोई तक राउंड अप करने के लिए टीम जा रही है लगी हुई है।